Good afternoon, everyone. Welcome to the YouTube channel of Pratham Test Prep. I'm Hema Chaudhary and I welcome you all to the business awareness session by our channel, Pratham Test Prep. I hope you all are doing good. Hi, how are you? Okay, so when we talk about our business awareness session, this is the part 25th. Let me just quickly share the PPT with you so that we can start discussing the important business news, right? So, just give me a minute. Okay, and I hope इससे पहले हमारी जितने भी sessions हुए हैं, right? आपने वो सब attend किए हुए हैं. अगर आपने नहीं किए तो what you can do is Pratham Test Prep channel को subscribe कर सकते हैं. फिर उसके video section में जाके you can do one thing. And what you can do is you can basically search for the business awareness news session and you can find the 24 to 25 important session video there, right? And you can cover all the important business awareness news of the year 2021. Okay, just a second. Okay, so jab tak PPT share ho rahi hai, let me ask important things. What to do now in GK? Not Pratham student. AK kal hamara marathon session hua tha beta. जनरल अवेयरनेस का यू कैन रिवाइज दोस थिंग्स राइट. करंट अफेयर्स अपना रिवाइज कर सकते हैं आप 2021 का एंड 2020 में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का राइट. इतना करने के बाद बचे आप बेसिकली दो तीन चीजें. यस बचे आप ये रिवाइज कर सकते हैं. यस बिजनेस अवेयरनेस तो ऑब्वियसली इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर यू कैन से दैट यू जैक राइट. क्योंकि इसमें जो हम न्यूज डिस्कस कर रहे हो पिछले एक महीने में से ही है. सो लेट मी जस्ट quickly share the screen with all of you so that we can discuss directly from the PPT. And I hope the PPT is visible back to in full screen. Perfect. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है important points and क्या है सारे important facts, right? उसकी अगर हम बात करें, चलिए. So अगर हम बात करते हैं अपना पहला बिजनेस न्यूज की, जस्ट अ सेकेंड. सो बिफोर डिस्कसिंग टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज व्हाट वी कैन डू इज आई वांट टू टेक अ क्विक रैपिड फायर राउंड एंड देन आई स्टार्ट डूइंग दिस. तो जल्दी से मुझे ये बताइए दैट व्हेन वी आदित्य अभी तक तो नहीं हुआ है सिंबायसिस में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं अभी तक वैसे अलग से नहीं पूछा गया है राइट. सो डी यू जैट में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे गए बट यू शुड रिमेम्बर द फेस ऑफ यू नो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज जो कि न्यूज में रहे हैं. तो क्योंकि हम कर चुके हैं वाया यूट्यूब सेशन आई होप आपको काफी चीजें याद भी होगी. कुछ कुछ कवर होगा स्पर्श, कुछ कुछ न्यू होगा आपके लिए. ठीक है चलिए. तो बच्चे अगर हम देखें अपनी पहली न्यूज तो पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यू इम्पोर्टेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशन. तो इसी के बेसिस पे लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चन. जल्दी से मुझे ये बताइए बिग बास्केट में बच्चे किसने कुछ स्टेक एक्वायर किए हैं. Who acquired few stakes in Big Basket? Yes, Jitendra. Tata Sons, very good. Kya hai answer? Tata Sons, very good. Yes. Now, can you tell me what is the name of the chairman of Tata Group or Tata Sons? नटराजन चंद्रशेखरन नॉट अनीशा. बेटा क्या है आंसर? नटराजन चंद्रशेखरन एंड नॉट अनीशा. ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए बच्चे. इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिकॉज अभी तक हम इतनी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि आई डोंट थिंक कि आप किसी को आज सच इसमें इश्यू आना चाहिए राइट. चलिए आप मुझे ये बताइए बेटा इफ वी टॉक अबाउट द चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप. बच्चे हो सकते चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप. Who is the chairman of Bajaj Group? Rahul Bajaj. बच्चे नीरज बजाज बजाज ऑटो के हैं बजाज ग्रुप के नहीं हैं, राइट. चलिए तो बच्चे अब आते हैं कमिंग बैक टू दिस. ठीक है
Now, when we talk about the first news that we have for today's session, kya hai bache hamari news? The news is about Tata Sun. So, hum Tata Sun ki baat kare, to Tata Sun has announced to acquire 43.3% stakes in Tejas Networks in 1,850 crores, right? Or 1,850 crores. Clear hai bache ye? So, Tata Sun announced to acquire 43.3% stakes in Tejas Networks. क्या क्या याद रखना है? Name of the company, right? Acquiry and name of the company जिसको कि acquire किया गया, right? So Tejas Networks acquired by Tata Sons कितने percent stakes? 43.3%, right? किस amount में? 1,850 crore. And Tata Sons में भी किसने acquire किया है? Tata Sons की जो subsidiary company है Panatone Finvest Limited, right? किसने डील साइन किया है विद तेजस नेटवर्क जो एक्वायर अराउंड 43.3% स्टेक्स. आई एम रिपीटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन. फर्स्ट राइट, क्या है बेटा आंसर? पहला आपका मेन पॉइंट बचे तेजस नेटवर्क. किसको एक्वायर किया? तेजस नेटवर्क. किसने एक्वायर किया? टाटा सन्स. कितने परसेंट स्टेक्स? 43.3%. टाटा सन की किस सब्सिडियरी ने एक्वायर किया? पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड, राइट? ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है. बच्चे गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर बेटा, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर आदित्य. क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. सो अगर हम बात करें बच्चे तेजस नेटवर्क एंड द डील बिटवीन द पैनाटोन, राइट? सो बच्चे तेजस नेटवर्क जो है उसका ये मानना है दैट जब हम बात करते हैं पैनाटोन की विच इज अंडर टाटा ग्रुप, तो ऑब्वियसली टाटा ग्रुप के अंडर अगर कोई कंपनी आ रही है, राइट? सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? दैट दे नो कि उसमें डेवलपमेंट जरूर होगा, राइट? सो बच्चे इसमें ऑब्वियसली दे एक्वायर 43.3% स्टेक्स, राइट? 40.3 मिलियन इक्विटी शेयर्स, ये अप्रॉक्स नंबर उन्होंने दिया था, विच रिप्रेजेंट दी यू नो वोटिंग कैपिटल ऑफ 26%, राइट? नाउ आपको क्या क्या याद रखना है? टाटा सन्स का हेडक्वार्टर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड दैट इज नटराजन चंद्रशेखरन. बच्चे ये क्लियर है सबको? इस न्यूज के सारे पॉइंट क्लियर है सबको? क्या क्या मेनली याद रखना है? पहला, किसको एक्वायर किया? तेजस नेटवर्क. किसने एक्वायर किया? टाटा सन. टाटा सन की किस सब्सिडियरी ने? पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड. कितना परसेंट स्टेक? 43.3%. कितने अमाउंट में? 1,850 करोड़ में. हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन? नटराजन चंद्रशेखरन, राइट? तो अगर हम बच्चे तेजस नेटवर्क की बात करें, तेजस नेटवर्क बेसिकली है क्या? तेजस नेटवर्क इज द लीडिंग ग्लोबल ऑप्टिकल नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स कंपनी जिसके साथ अभी डील किया है टाटा सन्स ने, ठीक है? मेनली आप कह सकते हो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ये, राइट? सो इसके साथ टाटा सन्स ने अगर बच्चे डील साइन किए हैं, दैट मींस हम ये कह सकते हैं दोनों ही कंपनी के लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज? पहली न्यूज क्या है बच्चे? जब तक आपको ये कंप्लीटली नहीं होगा, वेरी गुड बच्चे. आज ये क्लास कैसे, क्योंकि आज इस टाइम पे मेरी कोई और क्लास नहीं थी, सो ऑब्वियसली बच्चे बीए सेशंस की सीरीज तो हमारी बच्चे चलती रहेगी, थर्सडे सैटरडे होता रहेगा बच्चे. जब भी अवेलेबिलिटी होगी तभी आपके बिजनेस अवेयरनेस सेशन जरूर होंगे. चलिए बच्चे, पॉसिबिलिटी तो देखो आप बोल सकते हो कि है ही, क्योंकि पिछले एक महीने की न्यूज में से है, ऑब्वियसली आ सकता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सीरम इंस्टीट्यूट. व्हेन वी टॉक अबाउट सीरम इंस्टीट्यूट, हम कह सकते हैं दैट सीरम इंस्टीट्यूट एक्वायर्ड 50% स्टेक इन फार्मा पैकेजिंग फर्म कॉल्ड स्कॉटकाइज, राइट? तो फिर से किसमें? बच्चे आप बोलो पीडीएफ ओपन नहीं हो रही कशिश? बच्चे कोई बात नहीं, आपका मैं पीडीएफ बच्चे जो है वो पीएसआई से भी बता दूंगी कि कहाँ पे अपलोड कर रखा है. आप उसको बीएमए स्पेशल में सर्च कर सकते हो, आपका सेशन मैं वहां अपलोड करवा दूंगी, ठीक है कशिश? पीडीएफ विद आंसर, ठीक है, ऑन योर पीएसआई अकाउंट. सो बच्चे किसको एक्वायर किया? स्कॉट काइजा. किसको एक्वायर किया? स्कॉट काइजा, व्हिच इज अ फार्मा पैकेजिंग फर्म. किसने एक्वायर किया?
सिरम इंस्टीट्यूट कितना परसेंट स्टेक एक्वायर किया, 50%। तो मेन क्या है, सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII has acquired 50% stakes in Scott Kaija, right? And इसी के बाद बच्चे अगर हम बात करें बेसिकली दोनों क्या बन जाएंगे, ज्वाइंट वेंचर पार्टनर, ठीक है। अब बच्चे क्योंकि हम यहाँ पे सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, कैन यू टेल मी वाई सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सो मच इन न्यूज, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, COVID-19 वैक्सीन। हाँ जी बच्चे आदित्य श्योर विल डू दैट, यस। कौन सा है बच्चे, बच्चे ये सेशन खत्म होती है विद इन 15 मिनट्स। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी नो सिरम इंस्टीट्यूट जो है बच्चे वो किसके लिए है। एंड उसके बाद अगर इसने एक फार्मा पैकेजिंग फर्म के लिए को बच्चे एक्वायर किया, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, ऑब्वियसली वो क्या क्या सप्लाई करेगा एंड एवरीथिंग, राइट। आपको क्या याद रखना है, ओनली द नेम ऑफ द कंपनी दैट हैज बीन एक्वायर्ड, द नेम ऑफ द कंपनी दैट एक्वायर्ड एंड द टोटल स्टेक्स जो एक्वायर किए गए हैं, ठीक है। हाँ बेटा, यस वंश। नाउ आपको याद रखना है सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम, दैट इज आदर पूनावाला, एंड स्कॉट एजी चेयरमैन का बच्चे क्या नाम है, फ्रैंक हैंड्रिड, राइट। फ्रैंक हैंड्रिड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड रिमेम्बर द नेम ऑफ आदर पूनावाला, ये जरूर आप याद रखोगे, ठीक है। अब बच्चे इसमें एक और पॉइंट आप ये लिखोगे दैट सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अगर हम इसकी बात करें, नाउ इट इज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बाय दी नंबर ऑफ डोजेस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ग्लोबली। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मा कंपनी इज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बाय दी नंबर ऑफ डोजेस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ग्लोबली, यू शुड नो दी आंसर, दी आंसर इज सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। श्योर बच्चे, स्पर्श क्लियर है बेटा यहाँ तक, तो सिरम इंस्टीट्यूट एक्वायर्ड 50% स्टेक इन स्कॉट काइशा विच इज अ जर्मन कंपनी, राइट। एंड बच्चे इफ वी टॉक अबाउट द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ स्कॉट दैट्स फ्रैंक हैंड्रिड, द सिरम इंस्टीट्यूट सीईओ आदर पूनावाला एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, आंसर सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सिंपल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट रिमेम्बर द फैक्ट, बहुत इजी होगा आपके लिए, चीज याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, गुड आफ्टरनून नमन, कोई बात नहीं बेटा। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट HDFC लाइफ, नॉट दी HDFC बैंक बट अ सब्सिडियरी ऑफ HDFC विद द नेम HDFC लाइफ, इट अनाउंस टू एक्वायर एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, राइट। सो HDFC के इंश्योरेंस सेगमेंट HDFC लाइफ ने अनाउंस किया है दैट इट विल एक्वायर और इट विल टेक 100% स्टेक in the Exide Life Insurance Company for around 6,687 crore. तो ये जरूर आप याद रखेंगे, किसने, HDFC Life, किसमें, Exide Life Insurance, कितना परसेंट स्टेक, कंप्लीट 100% acquisition for 6,687 crore, ये जरूर याद रखेंगे, राइट। एंड बच्चे जो प्रोसेस है इसका, मर्जर ऑफ Exide Life into HDFC Life, right? It will be initiated on the completion of the acquisition completely by HDFC Life. ठीक है, अभी तक की बच्चे अगर हम बात करें, this is the second, आप कह सकते हो this is the biggest insurance deal in India, right? ये deal sign होने के बाद it will be the biggest insurance deal in India. तो indirect question आपका कैसे आ सकता है, which of the following is the second, or which of the following is the biggest insurance deal in India? You should remember, biggest insurance deal kya hai? Acquisition of Exide Life Insurance by HDFC Life. Clear hai beta? Ab agar hum bache iske amount ki baat kare, right? So amount jo hai bache, wo 725.97 crore will be payable in cash and baki jo hai bache, that way of issue, jo 8.70 crore hai bache, वो इक्विटी शेयर्स का होगा एट अ प्राइस ऑफ 685 रुपीस पर शेयर। बच्चे टोटल आपका पता है कि 100% एक्विजिशन हो रहा है, राइट। तो ये किसको पे किया जाएगा,
एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसकी सब्सिडियरी है एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है बेटा। नाउ इसके बाद आफ्टर द एक्विजिशन एक्साइड इंडस्ट्रीज का क्या रोल होगा? द एक्साइड इंडस्ट्रीज विल होल्ड 4.1% स्टेक इन द मर्ज्ड एचडीएफसी लाइफ एंड द मॉर्गेज लेंडर एचडीएफसी लिमिटेड जो है, इट विल होल्ड 47.9% स्टेक। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जो आपका जॉइंट वेंचर बनेगा उसकी बात हो रही है, जॉइंट वेंचर ऑफ एचडीएफसी लाइफ एंड एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस जो बन जाएगा उसमें एक्साइड इंडस्ट्रीज का 4.1% स्टेक्स होगा एंड एचडीएफसी लिमिटेड का 47.9% स्टेक्स होगा। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अभी अगर हम बात करें, अभी एचडीएफसी का 49.9% स्टेक है इन दी एचडीएफसी लाइफ, बट ये वाला जो स्टेक है इट विल बी इन दी जॉइंट वेंचर ऑफ एचडीएफसी लाइफ एंड एक्साइड लाइफ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? एंड बच्चे ये कंप्लीट कब हो जाएगा? 2022 तक, ठीक है। अब इसके अलावा क्या याद रखना है? ऑब्वियसली दोनों कंपनीज जो इन्वॉल्व हैं, एचडीएफसी लाइफ के एमडी एंड सीईओ विभा बदालकर राइट एंड एक्साइड लाइफ के एमडी एंड सीईओ क्षितिज जैन। सो आई एम रिपीटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन। फर्स्ट, एचडीएफसी लाइफ एक्वायर्ड 100% एक्विजिशन और 100% स्टेक्स ऑफ एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस। हु? एचडीएफसी लाइफ इन टू बजे हाउ मच? 100% एक्विजिशन फ्रॉम एक्साइड लाइफ, और यू कैन से कंप्लीट एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस 100% स्टेक्स बजे अमाउंट 6,687 crore। द जॉइंट वेंचर विल बी डन एंड बजे आफ्टर दिस कंप्लीट acquisition, this will be the biggest insurance deal in India. Then after the acquisition, when the joint venture will be in process, Exide Industries will hold how much percent stake? 4.1%. And agar hum baat kare HDFC Limited ki, uska kitna hoga? 47.9%. Kab complete hogi deal? Mid-2022 mein. This is the MD and CEO of HDFC Life, Vibha बदालकर। वो इज दी एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्साइड लाइफ क्षितिज जैन। बच्चे सारे पॉइंट्स क्लियर है? यस बच्चे। चलिए बच्चे, जब कोई मेजर कंपनी में क्राइसिस होता है ऑब्वियसली बेटा उसका इंपैक्ट जरूर होता है ग्लोबली ऑन द ट्रेड एंड ऑन द बच्चे इकोनॉमी एंड बेसिकली यू कैन से इंडस्ट्रीज मेनली, राइट? यस कशिश, ये वाला तो जरूर याद रखने की 100% स्टेक्स है। बच्चे ये भी याद रखना जरूर है आप लोग। चलिए डन है, आगे बढ़े। परफेक्ट, देखते हैं बच्चे अब नेक्स्ट। ये थी हमारी मर्जर्स एंड एक्विजिशन। नाउ विल टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट्स, राइट? अब अपॉइंटमेंट्स की बात करें। पहली अपॉइंटमेंट, द न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर महिंद्रा सुप्रो प्रॉफिट ट्रक रेंज। सो महिंद्रा सुप्रो ट्रक रेंज के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? अजय देवगन has been appointed as the brand ambassador for Mahindra Supro Truck Range, right? So Mahindra and Mahindra का जो commercial vehicle manufacturer in India है बच्चे, इन्होंने अपना बच्चे जो Supro Profit Truck Range है उसके लिए अजय देवगन को appoint किया है as the brand ambassador। ये आप याद रखेंगे। दूसरा आपको सीधा क्या याद रखना है? The simple Mahindra and Mahindra Limited की अगर हम बात करें, इनके जो बच्चे ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ हैं, उनका नाम याद रखना है जो कि है विजय नकरा, राइट? ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ इज विजय नकरा। बच्चे कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ Mahindra and Mahindra? यस बच्चे, टाटा कमर्शियल व्हीकल्स अक्षय कुमार है। हाँ जी, हु इज द चेयरमैन ऑफ Mahindra and Mahindra? आनंद Mahindra, quickly tell me the old name of Mahindra and Mahindra. Old name of Mahindra and Mahindra. Mahindra and Mohammed Corporation, very good. And Vijay, can you quickly tell me the name of the founders of Mahindra?
Very good. JC Mahindra, Jagdish Chandra Mahindra, KC Mahindra, Kailash Chandra Mahindra, and Ghulam Malik Mohammed. Very good. Right? And Vijay, jab Ghulam Malik Mohammed after partition Pakistan shift ho gaye to iska naam Mahindra and Mohammed Corporation se change ho ke Mahindra and Mahindra ho gaya, right? Chaliye next dekhte hain. Now the next news is about Alia Bhatt. So when we talk about this, Alia Bhatt appointed as the brand ambassador of Samsung's premium Galaxy smartphone. So which agar hum Samsung India ki baat karein, Alia Bhatt ko isne appoint kiya hai as the brand ambassador for its Galaxy Z series, right? Galaxy Z Fold 3 5G and Galaxy Z Flip 3 5G ke liye bache kisko appoint kiya gaya hai? Alia Bhatt ko as the brand ambassador, right? Bache, basically aap ye keh sakte ho Alia ki jo popularity hai among the young Gen Z, bache uske chalte hi inko appoint kiya gaya hai. And what you need to remember, Samsung India's headquarters in Gurugram, and which is Samsung Southwest Asia president and CEO is Ken Kam. Okay. Anji, which is adverse post, which is MD Anish Shah is the MD and CEO of Mahindra and Mahindra. Automotive division ke kaun hai bache? Vijay Nakra. But overall Mahindra and Mahindra group ke kaun hai MD and CEO? Anish Shah. ठीक है बेटा राघव, चलिए आगे बढ़े. तो सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन जी सीरीज या जेड सीरीज की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट, एंड हु इज द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ सैमसंग साउथ वेस्ट एशिया? आंसर इज केन काम. आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं. तो जो ब्रांड एम्बेसडर में यू नो अगर प्रश्न आता भी है, डायरेक्टली इट विल बी ऑन द नेम ऑफ द person who has been appointed. चलिए next देखते हैं. Okay. Now next is Adidas robbed Mirabai Chanu for its stay in play campaign. बच्चे ये हमने अपनी current affairs series में भी cover किया है कि Adidas ने Mirabai Chanu को बच्चे appoint किया है as brand ambassador और as the face for its stay in play campaign. ठीक है. So name of the company, name of the person, Tokyo Olympics. Yes, bacha. Tokyo Olympics silver medalist Mirabai Chanu. Inko appoint kiya as the face for its stay in play campaign. So name of the company, name of the campaign, name of the person who has been appointed. Vijay, ye aapko yaad hona chahiye. Isi ke saath quickly tell me. Haan ji Vijay, quickly tell me that Mirabai Chanu is associated with which sports? Silver medal jo inhone jeeta tha. किस स्पोर्ट्स में जीता था? यस, okay, I hope it's fine now. Okay, perfect. Let me just quickly share the screen again. Okay, I hope now it is visible. It's fine now, beta. Chaliye. हाँ जी बच्चे, ये आपको याद रखना है. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. नेम ऑफ द कंपनी Adidas, राइट? नेम ऑफ द पर्सन Mirabai Chanu. नेम ऑफ द कैंपेन स्टेन प्ले कैंपेन, राइट? बेसिकली बिकॉज ऑफ द कंसर्न दैट द टीनेज गर्ल्स आर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्पोर्ट एट एन अलार्मिंग रेट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लीकेज एंड एवरीथिंग. तो बच्चे अपने न्यू रेंज के साथ Adidas आया. इट स्टार्टेड द कैंपेन कॉल्ड स्टेन प्ले, जिसके लिए बच्चे टोक्यो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, राइट?
Guys, am I audible? चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है, दैट हु इज द सीईओ ऑफ कैरेडंस, राइट? कैस्पर रॉकस्टेड, ये नाम बहुत बार आ चुका है बच्चे, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है? ये नाम इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब तक आपको रट गया होगा, सीईओ ऑफ कैरेडंस, राइट? कैस्पर रॉकस्टेड. आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड. आई टेक द रैपिड फायर राउंड ऑल्सो. Right now, the next important news is about the appointment of the chairman of IDFC First Bank. But the chairman of IDFC, when I am talking, Manan, how many news please tell? Manan, after this news, there are three more news. Okay? Three or two more, beta. Okay, but there is not much. Two or three more. Ahead. संजीव चौधरी, किसको अपॉइंट किया गया है? संजीव चौधरी. के बच्चे करंट अफेयर्स न्यूज में is it fine now? Just a second, guys. Okay, I think it's fine now. Beech-beech mein lag aa raha hai bachche. I know. Koi nahi bachche, thoda sa aaj manage kar lijiye. Theek hai? Chaliye. Now bachche, important kya hai? फिर से द चेयरमैन ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, नेम ऑफ द पर्सन इज संजीव चौधरी. सो संजीव चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड. कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? तो अगर हम इसकी बात करें, आईडीएफसी इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी फर्स्ट बैंक लिमिटेड, राइट? सो हम इसकी बात करेंगे तो बच्चे कौन है चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन? संजीव चौधरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? देन यू नीड टू रिमेम्बर डायरेक्टली व्हाट, बच्चे ये सब नहीं याद करना कि पहले आप किस चीज में एक्सपीरियंस है एंड एवरीथिंग. आपको सीधा याद रखना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई एंड द नेम ऑफ द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज वी वैद्यनाथन, ठीक है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? सो नेम ऑफ द न्यू चेयरमैन ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक संजीव चौधरी, पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है, राइट? एंड बच्चे किसने अप्रूव किया ये अपॉइंटमेंट? आरबीआई. थर्ड बच्चे आपको एमडी एंड सीईओ का नाम याद होना चाहिए, वी वैद्यनाथन. इससे ज्यादा रिपीट बच्चे, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना बच्चे. आईडीएफसी इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, ठीक है? पहले बच्चे ये सिर्फ फाइनेंस कंपनी थी, इसका बाद में फिर नेम चेंज कर दिया गया जब बच्चे इसको क्या बोला गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड. क्लियर है पुत्र? चलिए, नहीं, नॉट कॉर्पोरेशन, कंपनी, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. नाउ बच्चे, ये थी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट. नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज देखेंगे जो कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से डिफरेंट है. क्या न्यूज है? India's most chosen FMCG brand, fast moving consumer goods brand, किसको सेलेक्ट किया गया है? पार्ले. सो बच्चे India's most chosen FMCG brand is पार्ले, ठीक है? तो बच्चे कंतार्स का जो बच्चे लेटेस्ट रिपोर्ट थी, ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट, इट रिवील दैट पार्ले प्रोडक्ट जो है, राइट, इट लीड्स दिस ईयर्स रैंकिंग, सेकेंड पे है अमूल, देन ब्रिटानिया क्लिनिक प्लस, देन टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट. आपको मेनली फर्स्ट थ्री तो याद होने चाहिए. टॉप पे है पार्ले,
अमूल एंड थर्ड पे है ब्रिटानिया। ठीक है, तो बच्चे ये आपका है अबाउट दी मोस्ट चूजन एफएमसीजी ब्रांड। किस किस चीज को बच्चे देखते हुए किया गया है? इट इज बेस्ड ऑन द रीच पॉइंट्स टू द कंज्यूमर, राइट, दैट कंसीडर द एक्चुअल परचेज मेड बाय द कंज्यूमर एंड एट अ गुड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें इस साल बच्चे ऑफर, ऑब्वियस रीजन, डिटॉल का जो बच्चे कंज्यूमर रीच पॉइंट्स था या कंज्यूमर परचेजिंग था बच्चे, वो 48% इंक्रीज हुआ है। वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई, सैनिटाइजर्स, राइट बच्चे, डिसइंफेक्टेंट्स एंड एवरीथिंग, दिस फॉलोड बाय लाइफ बॉय आल्सो, राइट। सो सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है? डिटॉल की। बट मोस्ट चूजन एफएमसीजी ब्रांड कौन सा है? पार्ले। क्लियर है बेटा? तो क्या क्या याद रखना है? इंडिया मोस्ट चूजन एफएमसीजी ब्रांड पार्ले, सेकेंड अमूल, थर्ड ब्रिटानिया। बट इनके अलावा अगर हम ये पूछें कि सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है, तो बच्चे सबसे ज्यादा ग्रोथ इस बार तो ये डिटॉल की। ठीक है, ये जरूर आप याद रखेंगे, बाकी ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये जरूर याद रखेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, जब ये डन हो जाए तो बताना बच्चे, विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। परफेक्ट, देखते हैं बच्चे अपनी अगली न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दी एक्सेलरेशन पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट 5G नेटवर्क इन इंडिया। तो बच्चे किन दोनों ने पार्टनरशिप किया है? भारतीय एयरटेल एंड इंटेल। बच्चे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, भारतीय एयरटेल तो हमें पता है, दैट इज स्टार्टेड द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर 5G नेटवर्क इन इंडिया इन देयर हैदराबाद ऑफिस। बट टू एक्सेलरेट द 5G नेटवर्क इन इंडिया, भारतीय एयरटेल ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो भारतीय एयरटेल पार्टनरशिप हैव दैट दी पार्टनरशिप विद इंटेल एंड दे अनाउंस दी कोलैबोरेशन टू एक्सेलरेट दी 5G नेटवर्क इन इंडिया। सो दे बोथ विल डेवलप अ 5G नेटवर्क बाय लेवरेजिंग द विजुअलाइज्ड रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसको हम वी रैन बोलते हैं बच्चे। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी यूज करके, वी रैन एंड ओ रैन टेक्नोलॉजी यूज करके वो 5G नेटवर्क को इंडिया में एक्सेलरेट करेंगे, राइट। तो बच्चे एयरटेल जो है, इट विल डिप्लॉय इंटेल लेटेस्ट थर्ड जनरेशन रियॉन्स अवेलेबल प्रोसेसर टू एक्सेलरेट 5G नेटवर्क इन इंडिया। यू डोंट रिमेम्बर द डिटेल्स, व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंपनीज। कौन सी दो कंपनीज है? भारतीय एयरटेल एंड इंटेल। दे हैड बच्चे अनाउंस द कोलैबोरेशन टू एक्सेलरेट व्हाट? 5G नेटवर्क इन इंडिया। ठीक है, फिर आपको इसके अलावा क्या याद रखना है? भारतीय एयरटेल लिमिटेड के एमडीएन सीईओ गोपाल विट्ठल एंड बच्चे इंटेल इंडिया के कंट्री हेड, क्योंकि उन्होंने ही डील में मेन रोल पार्ट किया है बच्चे, वो कौन है बच्चे? निवृत्ति राय। वो कौन है बच्चे? निवृत्ति राय। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। चलिए, तो बच्चे क्या क्या याद रखना है आपको इसमें? मेनली आपको याद रखना है विच टू कंपनीज, एयरटेल एंड इंटेल। ठीक है, देन बच्चे दे डू दे हैड कोलैबोरेटेड टू एक्सेलरेट द 5G नेटवर्क इन इंडिया। बच्चे आप बोल रहे हो मैम टाटा ग्रुप ने किसके साथ किया है? बच्चे टाटा ग्रुप की भी पार्टनरशिप किसके साथ हुई थी? भारतीय एयरटेल के साथ। बट वो पार्टनरशिप इट्स नॉट फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ 5G नेटवर्क इन इंडिया, बट दैट इज फॉर दी दैट वाज दी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फॉर इंप्लीमेंटिंग दी 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस इन इंडिया। ठीक है, फॉर एक्सेलरेशन बच्चे आप ये देखो ना, फॉर सॉफ्टवेयर एंड फॉर दी प्रोसेसर एंड फॉर दी बच्चे आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी, एयरटेल ने किसके साथ किया? इंटेल के साथ। बट वहीं पे टू इम्प्लीमेंट दी बच्चे 5G नेटवर्क इन इंडिया, भारतीय एयरटेल ने किसकी हेल्प की है? टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है फॉर मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क सोल्यूशन। क्लियर है बेटा? आई होप आप कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है वंश? यस बच्चे, एंड चाइना वर्किंग फॉर 6G नेटवर्क, राइट, दे हैव ऑलरेडी लॉन्च देयर सैटेलाइट फॉर टेस्टिंग दिस 6G नेटवर्क। बच्चे डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट अगर क्वेश्चन ये है दैट भारतीय एयरटेल हैज अनाउंस्ड इट्स पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट 5G नेटवर्क इन इंडिया, एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा इंटेल। अगर क्वेश्चन ये होगा
Bharti Airtel has announced a strategic partnership. Strategic word is important there. Strategic partnership for implementing 5G network in India. So answer hoga Tata Group. Dono mein difference hai bache. For acceleration Intel, for implementing Tata Group. Clear hai beta? Harsh, ab clear hai? Done? Perfect. चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे. लास्ट न्यूज फॉर टुडे सेशन एंड न्यूज क्या है बच्चे? कॉइन डीसीएक्स बच्चे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है. कॉइन डीसीएक्स इट बिकेम द इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूनिकॉर्न. आई थिंक ये भी हम करंट अफेयर्स वाले बच्चे सेशन में कर चुके हैं, बट क्योंकि इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज है इट्स इंपॉर्टेंट कि आप आपने फिर से इसको रिवाइज करो. क्या है बच्चे? Coin DCX is India's first crypto unicorn. बच्चे and I hope unicorn सबको पता है बच्चे unicorn वो companies होती हैं जो $1 billion की valuation को cross कर जाएं, right? तो बच्चे cryptocurrency exchange Coin DCX became India's first crypto unicorn with a valuation of $1.1 billion, right? Yes बेटा. इसके साथ बच्चे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, राइट? अभी बच्चे कॉइन डीसीएक्स की अगर हम बात करें, इट हैज मोर देन 3.5 मिलियन यूजर्स ऑन बोर्ड, राइट? एंड बच्चे ये टारगेट कर रहा है इन द कमिंग मंथ्स इट विल लॉन्च कॉइन डीसीएक्स प्राइम इनिशिएटिव टू ऑफर द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्राइजेस स्पेस. दैट मींस बच्चे इसका आने वाले टाइम में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है? देन बच्चे अगर हम बात करें कॉइन डीसीएक्स के अलावा बाकी टॉप फोर क्रिप्टो एक्सचेंज इन इंडिया कौन से बच्चे? वजीर एक्स, कॉइन स्विच, कुबेर एंड जेड पे, राइट? तो बच्चे कुछ नाम आपको ये याद होने चाहिए. नाउ कॉइन डीसीएक्स का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई एंड द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कॉइन डीसीएक्स इज सुमित गुप्ता. यू शुड रिमेम्बर दीज पॉइंट्स. मेन यू शुड रिमेम्बर द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो यूनिकॉर्न. Name is Coin DCX, right? Its headquarters is in Mumbai. The name of the co-founder and the CEO is Sumit Gupta. These main points are which you will remember. In this, more detail, you will not ask questions. Children, are you clear? So, with this, children, our today's important news is finished. And now, I will start the rapid fire for today's session so that our quick revision will be done. मुझे जल्दी से ये बताइए, who has been appointed as the brand ambassador for Mahindra Supro Profit Truck Range? Mahindra Supro Profit Truck Range. Ajay Devgan, very good. Now tell me, who is the CEO of Automotive Division of Mahindra and Mahindra Limited? Yes, क्या है बच्चे आंसर? विजय नकरा, very good. क्या है बेटा आंसर? विजय नकरा. Right now, tell me who has been appointed as the brand ambassador of Samsung's premium Galaxy smartphones? आलिया भट्ट, very good. क्या है आंसर? आलिया भट्ट. And बच्चे Adidas has appointed whom for its stain play campaign? मीरा भाई चानू, वेरी गुड. हु इज द सीईओ ऑफ एडिडास? कैस्पर रॉस्टेड, वेरी गुड. नाउ टेल मी बच्चे, विच कंपनी हैज अनाउंस टू एक्वायर द 43.3% स्टेक इन तेजस नेटवर्क्स? Tata Sanan. Which subsidiary of Tata Sanan will acquire 43.3% stakes in Tejas Network? Tell me the name of the subsidiary also. Yes, very good, Raga. Tata Sanan via Panatone Finvest Limited. Right? Chale, isi ke saath mujhe ye bataiye,
Which pharma company will acquire 50% stakes in the pharma packaging firm called Scott Kaiser? Yes, Serum Institute of India. Tell me the name of the head of Serum Institute of India. Adar Punawala, very good. Now tell me, HDFC Life has announced to acquire 100% stake of which insurance company? Yes, can I answer Exide Life Insurance? Very good. Now tell me that if we talk about the chairman of IDFC First Bank Limited, Konavita, new chairman. Sanjeev Chaudhary, very good, Manan. Sanjeev Chaudhary, very good. Now tell me the name of India's most chosen FMCG brand. India's most chosen FMCG brand. Yes, can I answer? Parle, very good. Can I answer, beta? Parle, and which company ka sabse zyada growth hua hai according to CRP? Consumer reach points. Yes, Dettol and Vijay. Airtel has partnered with which company to accelerate 5G network in India? Yes, can I answer? Intel, very good. Now, Vijay, mujhe ye batao that if we talk about the name of the brand ambassador of Home Lane, the home interiors brand, who has been appointed? Yes, kya hai beta answer? Dhoni, very good. Kya hai answer? Dhoni, very good. Tell me the name of the person who has been appointed as the brand ambassador of JK Tires and Industry. Narayan Karthikeyan, very good. And who has been roped in by Reserve Bank of India for its awareness campaign? Neeraj Chopra, very good. Now tell me the name of the person who became the world's richest person by surpassing Jeff Bezos at the end of July and August month of 2021. Bernard Arnault, very good, very good. Now, Vijay, tell me that who will be the or who will be the new chairman of Godrej Industries? Yes, Nadir, very good. Answer, Nadir Godrej. Now tell me that which is the world's most downloaded social media app. And it has surpassed Facebook recently. World's most downloaded social media app. TikTok, very good. Right, bache, Facebook ko isne surpass kar diya hai. Right, chaliye, mujhe ye bataiye beta. अगर आपसे पूछा जाए कि एयरटेल एंटरप्राइज आम ने किसको अपॉइंट किया है विजय एज दी सीईओ फॉर इट इमर्जिंग बिजनेस, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इमर्जिंग बिजनेस ऑफ एयरटेल एंटरप्राइजेस? नितिन
नहीं, नॉट गोपाल विट्ठल, बच्चों तो एमडी एंड सीईओ है. द आंसर इज हरीश लद्दा. द आंसर इज हरीश लद्दा. ठीक है, चलिए बच्चे मुझे ये बताओ दैट इफ वी टॉक अबाउट द इंडियाज फर्स्ट एग्री सेक्टोरल इंडिसेस, बच्चे किसने लॉन्च किया है ये? इंडियाज फर्स्ट सेक्टोरल इंडिसेस इन द एग्री कमोडिटी स्पेस, जिसका नाम है बच्चे गॉरिक्स और सॉयडेक्स, किसने लॉन्च किया है ये? नो आइडिया. एनसीडेक्स बच्चे नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा ये बताओ, ये तो इंपॉर्टेंट है बच्चे, विच कंपनी बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज? नहीं, नॉट वजीर, इट्स बिट्यू, BITEE, बिट्यू, राइट? सो बिट्यू इंडिया, बच्चे इसने स्पेस चेन के साथ पार्टनरशिप की थी, राइट? एंड अगर हम बिट्यू की बात करें, ये बन चुका है बच्चे वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज. ठीक है, तो इसने बच्चे स्पेस एक्स का, इफ यू रिमेम्बर, फाल्कन 9 रॉकेट जो था बच्चे, उसके साथ अपना डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लॉन्च करवाया था, एंड उसी के साथ इट बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट स्पेस बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज. क्लियर? चलिए 2-3 मोर क्वेश्चंस, देन विल बच्चे एंड द सेशन. आप अपना बच्चे रिवीजन स्टार्ट कीजिए. ठीक है, चलिए ये बताओ बच्चे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन प्लस? Yes, क्या है आंसर? जसप्रीत बुमराह. वेरी गुड. 2-3 मोर क्वेश्चन, देन आई विल एंड द सेशन बेटा. ठीक है, चलिए मुझे ये बताओ, अगर हम बात करते हैं ओके, ये बताइए बच्चे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया बाय उबर? उबर हैज अपॉइंटेड हु एज द हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया? बच्चे क्या है आंसर? अमेया वेलांकर. क्या है आंसर? अमेया वेलांकर, राइट? चले मुझे ये बताइए, गोदरेज एक्सपर्ट इजी ने किसको अपॉइंट किया है एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? चलिए बच्चे, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े. एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर बंद कर देते हैं. ठीक है, चलिए बच्चा मुझे ये बताओ दैट लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट, हां जी बच्चे आंसर इज सैफ अली खान. यस, चलिए मुझे ये बताओ दैट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो बच्चे जस्ट डायल ने मोर देन 40% स्टेक, लास्ट क्वेश्चन ये, जस्ट डायल ने मोर देन 40% स्टेक किस कंपनी ने एक्वायर किया? Not Tata. The answer, very good Pooja. Answer is Reliance Retail. Okay, Reliance Retail has acquired 40.95% stakes in Just Dial for around 3,497 crores. Right? Chaliye, so I hope you enjoyed the session. Kaafi saari cheeze revise bhi kar liya humne. Right? So bye everyone. Bye. Take care. Stay safe. Stay healthy. And which is most important, keep revising. And those students who are appearing for DU JAT or DU ET for your which is BMS, BFI, BT or PMMC Mass Communication students, all the very best to all of you. Bye everyone. Bye.